हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में जियो सिनेमा ऐप का ये एरर आ रहा है तो आप इस एरर को कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। यहाँ पर आप सेटिंग पर क्लिक कीजिए, सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वाईफाई को एक बार टर्न ऑफ कर देना है। फिर आपको 10 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद आप वाईफाई को टर्न ऑन कीजिए। उसके बाद आपको बैक आना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस पर क्लिक करना है, डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर डेट एंड टाइम रॉन्ग है तो आप इसको सेट कीजिए। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर ऑफ के ऊपर क्लिक कीजिए। आप जो है मैन्युअली डेट एंड टाइम को जो है सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहां पर डेट एंड टाइम के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहां पर यूज नेटवर्क प्रोवाइडर टाइम इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपको जो है बैक आना है। उसके बाद आपको जो है ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर सी ऑल ऐप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको जो है यहाँ पर फाइंड आउट करना है जियो सिनेमा, तो यहाँ पर स्क्रॉल करना है। फिर आप यहां पर देख सकते हैं जियो सिनेमा एप्लीकेशन शो हो रहा है। उसके बाद आपको फोर्थ स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर स्क्रॉल करना है। फिर आपको जो है यहां पर क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके करना है। उसके बाद आपको जो है यहां पर क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आप जो है बैक आइए। फिर आपको जो है यहाँ पर स्क्रॉल करना है, परमिशन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर सारे परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको जो है बैक आना है। उसके बाद आप अपने स्मार्ट टीवी में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। फिर आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है जियो सिनेमा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए। उसके बाद आपको जो है प्ले स्टोर को क्लोज कर देना है। उसके बाद आप अपने स्मार्ट टीवी को एक बार रिस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।